हेलो एवरीवन, मैं पूजा चौधरी खुशी मेकओवर से वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक पार्टी हेयर स्टाइल। और आप इनके बाल देख सकते हैं, बहुत ही कम बाल हैं इनके, काफ़ी थिन हेयर है इनका। और उसके बाद हम लोग इनके बालों में एक ऐसा हेयर स्टाइल बनाएंगे जो इनके ऊपर सूट भी करे और इनके बाल जो हैं वो इतना कम दिखाई ना दे बिल्कुल भी। तो क्या होता है ना, हम लोग जब कभी हेयर स्टाइल करते हैं, पार्टी हेयर स्टाइल, तो हम लोगों को देखना होता है कि उन्होंने क्या पहना है। तो ये साड़ी पहन रही हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने इनका मेकअप किया और उसके बाद हम लोगों ने इनका हेयर स्टाइल करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले मैं एयर टू एयर पार्टिंग में इनके क्रम्पिंग करा रही हूँ, क्योंकि आगे से जो मुझे हेयर स्टाइल चाहिए उसमें थोड़ा सा उठा हुआ हेयर स्टाइल चाहिए, मतलब थोड़ा बाउंसी लगे देखने में। तो मैं एक चोटी बनवाऊंगी इनके आगे के बालों में, तो उसी हिसाब से मुझे बाल जो है वो थोड़े बाउंसी चाहिए, क्योंकि इनका बाल ना बहुत ज़्यादा हल्का है। तो उसकी वजह से मुझे क्रम्पिंग करानी पड़ रही है इनके आगे के बालों में। तो हम लोग एयर टू एयर पार्टिंग में क्रम्पिंग करा रहे हैं और उसके बाद क्रम्पिंग करने के बाद में हम लोग हेयर स्टाइलिंग स्टार्ट करेंगे। क्रम्पिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ हेयर स्टाइल जिनमें काफ़ी उठाकर जिन हेयर स्टाइल को हम लोग बनाते हैं, उन हेयर स्टाइल में हम लोगों को क्रम्पिंग ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि हमारे बाल ना बहुत अच्छे से फिर होल्ड भी होता है और देखने में काफ़ी ज़्यादा भी लगता है और अच्छा लगता है, हेयर स्टाइल बहुत निखर के आता है। तो इसलिए सबसे पहले हम लोग जो है इनके बालों में कर देंगे क्रम्पिंग, ओनली फॉर एयर टू एयर पार्टिंग में। और पीछे की साइड में हम लोगों को ऐसे ही बाल छोड़ देने हैं। तो अब इनके बालों में हम लोगों को कोई पफ नहीं बनाना है, किसी भी तरह कोई फिलिंग नहीं करनी है बिल्कुल भी, ओनली फॉर इन्हीं के बालों से हमें जो भी करना है वो इन्हीं के बालों से करना है। तो पहले हम लोग बनाएंगे एक चोटी। चोटी किस तरीके से बनाएंगे कि हम लोग पहले पार्टीशन कर लेंगे बालों का, तो एक साइड हमें ज़्यादा बाल रखने हैं और एक साइड हमें कम बाल रखने हैं। तो आप देख सकते हैं इनका बाल आगे का जिनमें क्रम्पिंग हुई थी, कितना प्यारा लग रहा है वो। और मेरे चैनल पर लोड्स ऑफ वीडियो अवेलेबल हैं पार्टी हेयर स्टाइल की, ब्राइडल हेयर स्टाइल की, वो सभी कुछ आपको मेरे चैनल पर रियल मिलेगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर आप लोगों के साथ में अपने पार्लर का रियल वर्क जो है वो शेयर करती हूँ। ये भी एक कस्टमर है हमारी और ये अपनी एक रिलेटिव की पार्टी में जा रही हैं, तो उसमें इन्होंने ये हेयर स्टाइल बनवाया। तो देखिए आगे से हम लोग जो है इनके बालों में चोटी बना रहे हैं। इस चोटी को खजूर वाली चोटी बोलते हैं, ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा, ये काफ़ी अच्छे से हम लोग बनाते हैं और बहुत इजी होता है इसको बनाना। तो आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से बनाई जा रही है, और बहुत ज़्यादा ना फ्लैट के तरीके से नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा उभार के बनाएंगे, मतलब हल्के हल्के हाथ से बनाइए, बहुत ज़्यादा फ्लैट मत करिए। और हम लोगों को ओनली फॉर इस चोटी में दोनों साइडों से बाल लेना होता है, बीच का बाल हम लोगों को नहीं चाहिए होता है, ओनली फॉर साइडों का बाल हम लोगों को चाहिए होता है। थोड़ी सी लेयर एक साइड से लेंगे, फिर थोड़ी सी लेयर हमें दूसरी साइड से लेनी होती है, और बस इसको फंसाते चले जाना होता है एक दूसरे के साथ। तो ये चोटी जो है वो बनाना भी बहुत ईजी है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है, और हर कपड़े के ऊपर ये चलती है, मतलब अगर आपने लहंगा पहना हुआ है तो भी आप इस तरीके की चोटी वाला हेयर स्टाइल कर सकते हैं, अगर आपने साड़ी पहनी हुई है तब भी कर सकते हैं, आपने इंडो वेस्टर्न में कुछ पहना हुआ है, गाउन वगैरह या इस तरीके का कुछ पहना हुआ है उसमें भी आप लोग कर सकते हैं। तो इस हेयर स्टाइल को आप लोग कई तरीके से कर सकते हैं, बहुत इजी हेयर स्टाइल है, बहुत ही सिंपल हेयर स्टाइल है और आप लोग बहुत ईजीली इसको कर भी पाएंगे। तो मेरे चैनल पर ज़्यादातर वीडियो इसी तरीके की होती हैं कि आप घर बैठे बैठे आराम से सीख सकते हैं कि आप लोगों को किस तरीके से पार्लर पर काम करना चाहिए और आपको अपना पार्लर किस तरीके से गेन करना चाहिए। काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो प्लीज़ एक बार चैनल को अच्छे से सर्च कीजिएगा। और जो लोग मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, और आप लोग जब सब्सक्राइब करेंगे चैनल को तो आपको सारी वीडियो की जानकारी मिलती रहेगी, क्योंकि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तब बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए और बेल आइकन में भी ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे आपको जो भी वीडियो जाती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाती है और आप लोगों से कोई भी वीडियो मिस नहीं होती है, क्योंकि मैं अपने चैनल पर डेली वीडियो डालती हूँ और काफ़ी अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन वाली वीडियो डालती हूँ जो आप लोगों के पार्लर में बहुत काम आएंगी और आप लोगों को बिल्कुल भी पार्लर का काम मुश्किल नहीं लगेगा। अगर आप लोग अपना पार्लर गेन करना चाहते हैं या पार्लर खोलना भी चाह रहे हैं, अभी बिगनर हैं, अभी ओनली फॉर सीख ही रहे हैं, और उसके बाद आप चाहते हैं कि आप अपना पार्लर खोलें, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसमें मैं अपने चैनल पर आप लोगों को यही सब बताती हूँ कि आप लोगों को किस तरीके से अपना पार्लर जो है वो स्टार्ट करना है, किस तरीके से अपना पार्लर चलाना है और क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं पार्लर में। तो देखिए इस तरीके से मैं आप लोगों के साथ में रियल वर्क ही शेयर करती हूँ। तो बातें करते करते इनकी जो चोटी है वो हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। तो इस तरीके के जो हेयर स्टाइल होते हैं ना वो बहुत ईजी होते हैं करने,
तो प्लीज़ एक बार ट्राई करके देखिएगा, एक बार प्रैक्टिस करिएगा हल्की सी, आपसे बहुत इजीली ये हो जाएगा। और इसमें हम लोग काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अगर इन्होंने साड़ी नहीं पहनी होती, लहंगा वगैरह डाला होता, तो इस चोटी को हम लोग डेकोरेट भी करते, बट इन्होंने साड़ी पहनी है तो साड़ी के ऊपर नहीं अच्छा लगता है डेकोरेट करा हुआ। तो देखिए अब आ गए हम दूसरी साइड, दूसरी साइड भी हम लोगों को यही करना है। और दूसरी साइड जो है वो थोड़ा सा फ्लैट लुक में बनानी है, मतलब बहुत ज़्यादा उठा के नहीं बनानी है, क्योंकि बाल ही बहुत कम है, एक साइड का बाल इनका काफ़ी कम है। तो इसलिए जो है वो हम लोग देखिए यहाँ पर भी चोटी बनाएंगे, दोनों साइडों से हम लोग चोटी बनाते हुए लेकर जाएंगे, और पीछे के बालों में करेंगे हम लोग कर्ल, क्योंकि पीछे का बाल हमें इनका खुला छोड़ना है। अगर हम जूड़ा बनाएंगे तो जूड़ा ये कई बार पहले भी बनवा चुकी हैं हमारे चैनल पर और पार्लर पर, क्योंकि रेगुलर कस्टमर हैं तो कई बार पार्लर पर पहले भी आ चुकी हैं ये, और कराती रहती हैं बीच बीच में हेयर स्टाइल। अब आप देख सकते हैं इस चोटी को हम लोगों ने बना लिया है, और इस चोटी को भी हमने साइड में जाकर रोक दिया है। अब हम इसके बाद जो करने वाले हैं वो ये करेंगे कि जितना भी बाल हमारा क्रम्पिंग वाला था उस बालों को हम आपस में लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जो चोटी आई उनका बाल साइडों का बच गया था काफ़ी सारा, तो उस बाल को हम लोग हल्का सा फोल्ड करके ऊपर की साइड में लगा देंगे, क्योंकि हमें ये अभी यहाँ पर डेकोरेट करना है पीछे से हम लोग, क्योंकि कर्ल करने वाले हैं और आप बाल इनका देख सकते हैं बहुत कम है, तो ये बालों को भी हमको थोड़ा सा कवर करना है ताकि थोड़े से बाल ना ये खाली खाली ना लगे यहाँ पर, क्योंकि हम लोगों ने कोई भी पफ वगैरह नहीं बनाया है। तो इस तरीके से देखिए उन बालों को हमने रोक दिया यहाँ पर लाकर, और यहाँ पर हम एक, और उसके बाद इसको हम डेकोरेट करेंगे बहुत अच्छे से एक फ्लावर की हेल्प से। बट उससे पहले हम लोगों को कर्ल कर लेना है बालों में, और आप देख सकते हैं इनके पीछे के बालों की ना बहुत ही कम है इनके बाल, बट हम लोग बहुत पतला पतला वाला अगर कर्ल करेंगे तो इनके बाल बहुत अच्छे लगेंगे पीछे से। और ये जो स्टाइल है ये साड़ी पर बहुत प्यारा लगता है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। तो हम लोग जो कस्टमर हमारे रेगुलर होते हैं उन लोगों के साथ में ना हम लोगों को देखना पड़ता है कि हेयर स्टाइल जो हम इनके पहले कर चुके हैं वो हेयर स्टाइल हमें दोबारा नहीं करना है, क्योंकि रेगुलर कस्टमर जो होते हैं वो आते रहते हैं तैयार होने के लिए, कोई भी फंक्शन वगैरह आता है तो उसमें तो हर बार ना हम लोगों को उनके साथ में कुछ नया करना होता है। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है कि अगर हम लोग अपना पार्लर रन कर रहे हैं तो हम लोगों को किस तरीके से अपना पार्लर को चलाना है। अगर हम अपने क्लाइंट के बार 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 एक ही काम करते रहेंगे तो वो चीज़ भी अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए हमें ना कुछ नया, याद रखिए आप कि पिछली बार आपने अपने क्लाइंट के क्या किया था और इस बार आप क्या करने वाले हैं, तो इन सब चीज़ों का माइंड में रखते हुए ही काम किया जाता है। तो देखिए इनके बालों में पिछली बार मैंने एक बन वाला हेयर स्टाइल बनाया था, तो मैंने सोचा कि चलिए इस बार इनके बालों में कर्ल किया जाए, और इसी तरीके से आप लोग भी अपने पार्लर को बहुत अच्छे से चलाइए तो काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी इजीली पार्लर आपका चलेगा और आप लोगों को काफ़ी अच्छे से इनकम भी होगी, क्योंकि कस्टमर को भी वैरायटी चाहिए, वो भी एक चीज़ को बार बार देखते हुए बोर हो जाता है। तो आप लोग अगर अपना दिमाग दौड़ाएंगे और काफ़ी अच्छे से काम करेंगे तो देखिए आप देख सकते हैं बातें करते करते इनके बालों का कर्ल भी हो गया, और पीछे से जो मुझे डेकोरेट करना था वो भी मैंने कर दिया। पीछे की साइड में जो हम लोगों ने बाल लिए थे उसको वहाँ पर ना खाली जगह लग रही थी काफ़ी, और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर हम लोग नीचे को ऐसी खुला छोड़ देते, क्योंकि हमने बहुत सिंपल हेयर स्टाइल बनाया है। तो हमने पीछे की साइड में इस तरीके से बालों को आपस में जोड़कर और यहाँ पर एक फूल लगा दिया है। काफ़ी इजीली ये मार्केट में अवेलेबल होते हैं ये फूल, आप यहाँ पर रियल रोज़ भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पर कोई भी रियल वर्क काम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको फेक ही लगाने की ज़रूरत है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो आप करें। काफ़ी डेकोरेशन की चीज़ें भी मार्केट में मिलती हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल, और जब भी सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बताइएगा ज़रूर वीडियो कैसी लगी। बाय बाय।